जुबैर अहमद साहब श्रीनगर से सवाल करते हैं। कश्मीर में अक्सर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कई किस्म के बयान सुनते हैं, उनमें से कुछ लोग वह हैं जिनका इल्म न होने के बराबर होता है। वह उलमा के खिलाफ बदजुबानी भी करते हैं और गलत बयान भी करते हैं, साथ ही उलमा को बराबला भी कहते हैं। इनमें से अक्सर लोगों का इल्म न होने के बराबर होता है, मेहरबानी करके इस पर तफसील से रोशनी डालें। इस सिलसिले में मुख्तसर भी अर्ज करना है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि दूसरे मुसलमान के खिलाफ बदजुबानी करें। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, सिबाबुल मुमिन फुसूकुन, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है। इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का इरशाद है कि मुमिन न बदकलाम होता है, न बदजुबान होता है, न बदगो होता है, न गाली गलौज करता है। अब अगर कोई आदमी किसी दूसरे मुसलमान के मुतालिक बदजुबानी करता है तो ये तो गुनाह कबीरा है, और लेकिन जिसके खिलाफ बदजुबानी की जा रही, अगर वो आलिम भी है और आप उसके खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं तो और ज्यादा बुरा गुनाह है। अगर आपको किसी आलिम से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ करने के माना बदजुबानी नहीं है, बल्कि इख्तलाफ करने का तरीका यह है कि बराह रास्त उससे बात की जाए और बात करने के बाद कहा, आपका फलाना नुक्ता नजर मैंने इस तरह से सुना है, मेरा इल्मी इख्तलाफ उससे यह है, संजीदा अंदाज में, महजब उसलूब के साथ, किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर, दुख पहुंचाए बगैर, क्रिटिसाइज किए बगैर, संजीदा अंदाज में इल्म गुफ्तगू करने का तो हक है, वो हक है, लेकिन बदजुबानी करना, गलत बयानी करना, इल्जाम तराशी करना, तोहमा तराशी करना, ये मुसलमान की शान के मुताबिक नहीं है। और उलमा के खिलाफ तो अगर करेंगे तो और ज्यादा संगीन गुनाह है। और अच्छी तरह से समझ लें कि किताबों में ये लिखा हुआ है कि उलमा के खिलाफ बदजुबानी करने की कुछ शक्लें ऐसी भी हैं कि जिनकी वजह से आदमी का ईमान भी खत्म हो जाता है। वो फतावा की किताबों में वो लिखा हुआ होता है कि उलमा के खिलाफ बदजुबानी करने की कौन सी सूरत है जिस सूरत के नतीजे में आदमी का ईमान जाया हो जाता है। हमारे यहां फतवा की बहुत बड़ी मशहूर किताब है फतावा आलमगीरी, जो सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने उलमा के पूरे पैनल को बिठा करके वो फतवा की किताब मुरतब की थी। उसमें पूरा एक बाब लगा हुआ है जिसमें वो लिखते हैं कि कौन कौन सी बात से आदमी का ईमान खत्म हो जाता है। उन्हीं में से है उलमा की तखीर करने से, उलमा की खिलाफ बदजुबानी करने से और उनकी तौहीन करने से कुछ सूरतों में, कुछ हालतों में आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाता है। लिहाजा हर आदमी को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। आम मुसलमान के हक में बदजुबानी का इख्तियार नहीं है तो उलमा के खिलाफ बदजुबानी करना तो और ज्यादा खतरनाक है। और जब किसी दौर में किसी जगह के मुसलमान अपने उलमा के खिलाफ बदजुबानियां करने लगते हैं और उसके नतीजे में अवाम उलमा से कट जाती है, उसके बाद फिर वो अवाम बिगड़ जाते हैं, सुधार नहीं होगा। क्यों? सुधार जिस तबके से होने वाला था, सुधार जिस तबके से होने वाला था, उनसे आपने बदजुबानी करके लोगों को काट दिया है। और ये दुनिया में मुहिम है, किसी तरह से मुसलमान जो हैं वो अपने उलमा से अलग हो जाएं और उसके बाद फिर उनको भटकाना बहुत आसान होगा। और जिस जगह के लोग अपने उलमा से कट गए वहां के लोगों को गुमराही से बचाने की कोई शक्ल बाकी नहीं रहती है। ये ऐसा ही है जैसे अगर किसी जगह के लोग डॉक्टरों से कट जाएं तो बीमारियों का इलाज कैसे होगा। यह हो सकता है कि जैसे बाज उलमा के अंदर तरह तरह की कमियां हों, वो भी इंसान हैं, उनको चाहिए अपनी कमियां दूर करें, लेकिन किसी आलिम की कमी के माना यह नहीं कि आप तमाम उलमा के खिलाफ बदजुबानी करने लगें और उसके नतीजे में इस्लाम जिस सोर्स के जरिए से इस्लाम आगे बढ़ेगा वो सोर्स जब गैर मुतबर हो जाएगा उसके बाद फिर गुमराह होने में और नई नस्ल के बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। बहरहाल जो भाई भी उलमा के मुतालिक अपनी जुबान खोलना चाहते हैं वो पहले बहुत अच्छी तरह से सोचें कि वो अल्लाह के सामने भी इसी तरह का जवाब दे पाएंगे या नहीं। और अल्लाह जब पूछेंगे कि जिन लोगों ने मेरा दीन पढ़ा था और वो तुमको दीन सिखा रहे थे उनके अंदर अगर कमियां थी तुमको क्या हक था उनके खिलाफ बदजुबानी करने का, उसका तो मुझे जवाब दो। और ये वो ऐब है जिस ऐब के नतीजे में दुनिया की दूसरी कौमें तबाह हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि दीन पढ़ने और पढ़ाने वालों के खिलाफ लोग बदजुबानियां करेंगे, यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इन्हीं का एक दूसरा सवाल है, लिखते हैं, आजकल स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में उस्ताद और तलबा बात बात पर दीन का मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई मुसलमान बात बात पर दीन का मजाक उड़ाए और दीन का काम करने वालों का मजाक उड़ाए, उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखना जायज है नाजायज? तो जवाब, पहली बात यह है, दीन का मजाक उड़ाया जाए चाहे वो दीन के अकाइद के कबील से हों या दीन के मसाइल के कबील से हों, जब कोई मुसलमान दीन के किसी बात का मजाक उड़ाता है उसका ईमान खत्म हो जाता है। इसलिए जो लोग जहां भी हैं, चाहे वो बाजारों में हो, चाहे वो दफ्तरों में हो, चाहे स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटी में हो, वो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान बनकर जी रहे हैं, फिर अगर अपने इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं तो खतरा यह है कि उनका ईमान खत्म हो चुका होगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस्लामी जाबता यह है कि जो लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं उनका ईमान खत्म हो जाता है।
रहा हमारा उनके साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, तो जवाब उसका यह है कि हम पहले नरमी और हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ उनको समझाएं कि इस तरह से दीन का मजाक उड़ाने से हो सकता है आदमी का दीन खतरे में पड़ जाए, बेहतर नहीं है दीन का मजाक उड़ाया जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं, वाइदा रायतुमुल्लदीन यखुदुन फी आयातिना फआरिज अनहुम, जब आप देखेंगे कुछ लोग मेरे दीन का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनसे एराज कर लें, उनसे दूर हो जाएं, उनसे दूर। लेकिन पहले मरहले पर हम नरमी से, मोहब्बत के साथ, दलाइल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से जैसे कोई बच्चा किसी नाली में पड़ा हुआ हो और वो नाली में गंदगी के साथ खेल रहा हो, तो हम नफरत करने के बजाय बच्चों को हमदर्दी के साथ निकालने की कोशिश करेंगे, सफाई करने की। इसी तरह से इन भाइयों के साथ मुहैया, लेकिन अगर वो सुधरने वाले न हों तो फिर अपने आप को दूर रखना चाहिए, ताकि उनके उस मजाक उड़ाने की नहुसत उन पर तो जो आने वाली है वो आए, अल्लाह ताला उनको बचाए और हम पर भी वो नहुसत ना आ जाए। वैसे ये सूरत हाल भी इंतहा खतरनाक है कि जब लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म का मजाक उड़ाएं, अल्लाह के बयान किए हुए हुक्म का मजाक उड़ाएं, और फिर अपनी जगह मगन हो और एहसास भी ना करें कि हम क्या जुर्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, फिर वहां या तो ऐसे लोग मुसल्लत हो जाते हैं कि जो जबरन उनसे कुफ्र करवाएंगे, और या फिर अल्लाह ताला शानो उनसे दीन छीन लेते हैं और छीनने के बाद उनको ऐसी बर्बादियों में डाल देते हैं। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, दीन का मजाक उड़ाना किसी समाज में जब पाया जाने लगता है उसके अगले हालात बहुत खतरनाक आते हैं, और दुनिया के बेशुमार खित्तों का यही हाल हुआ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।